दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं नोकिया 3 के बारे में। आप यहां पे देख रहे हैं स्क्रीन पर, यह है नोकिया 3 मॉडल और इस मोबाइल के अंदर में जो है गूगल अकाउंट मांगा जा रहा है यानी कि FRP लॉग और इस मोबाइल का FRP आज हम रीसेट करेंगे EFT डोंगल से। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहे, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि किस तरह से इस मोबाइल का आप FRP रीसेट कर सकते हैं EFT डोंगल से। तो दोस्तों आप यहाँ पर सामने देखते हैं मेरे जो डेस्कटॉप पे EFT डोंगल का सेटअप इंस्टॉल है और चलिए हम इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से इस मोबाइल का हम FRP रीसेट करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि मैंने जो है EFT डोंगल का सेटअप को जो ओपन कर लिया है और इस डोंगल में सबसे पहले आपको यहाँ पे एंड्रॉइड मॉडल पे क्लिक करना होगा और उसके बाद जब एंड्रॉइड मॉडल पर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा प्रोसेसर है। तो आपको यहाँ पे जो है मीडिया टेक आपको सिलेक्ट करना होगा यानी कि MTK। तो जैसे हम यहाँ पे MTK पे क्लिक करेंगे उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शुरू में जो यहाँ पे जो है सिलेक्ट ब्रांड, ठीक है, तो यहाँ पे हमें कोई ब्रांड सिलेक्ट नहीं करना है, कोई भी मॉडल हमें यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करना है। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ऑटो का ऑप्शन है उसके बाद यहाँ पे आप जो है ब्रांड सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे क्या करना है कि N दबाना है अपने कंप्यूटर में कीबोर्ड में, ठीक है, कीबोर्ड में जैसे हम N प्रेस करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे नोकिया आ जाएगा। यहाँ पे हम देखें नोकिया जो है ये नोकिया ऑटो मोड हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद हमें करना क्या है कि सबसे पहले हम इस मोबाइल का इन्फो चेक करेंगे। इन्फो भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेक लगा हुआ है, हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली हमें मोबाइल को बूट करना। चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। स्टार्ट पे जैसे मैंने क्लिक किया उसके बाद हमें मोबाइल को बूट करना है। दोस्तों मोबाइल को बूट कैसे करना है आपको, तो मोबाइल को सिंपली आपको ऑफ कर देना है और कोई भी की आपको प्रेस नहीं करना है, ठीक है, और डायरेक्ट जो है आपको डाटा केबल जो है आपको लगा देना है। जैसे आप डाटा केबल लगाएंगे आपका मोबाइल बूट कर जाएगा। दोस्तों आप यहाँ पे देखते हैं मोबाइल बूट कर चुका है और मोबाइल का इन्फो यहाँ पे जो दिखा रहा है, मोबाइल के अंदर में कौन सा वर्जन है, क्या है, सारा डिटेल यहाँ पे दिखा रहा है। तो इस तरह से आप मोबाइल का इन्फो चेक कर सकते हैं, फ्लैश फाइल की वर्जन का भी पहचान यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद चलिए हम इस मोबाइल का FRP रिसेट करना है। तो FRP यहाँ पे हम FRP पे चेक लगा दिए, उसके बाद हमें करना क्या है कि स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। और जैसे हम यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे उसके बाद हमें मोबाइल को ऑफ करना है। ऑफ करके कोई भी की नहीं दबाना है, मोबाइल में हमें डायरेक्ट केबल लगा देना है। और जैसे हम केबल लगा देंगे मोबाइल ऑटोमेटिकली बूट कर जाएगा। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मोबाइल ऑटोमेटिक जो है बूट कर चुका है और कुछ ही देर में इसका FRP यहाँ से रिसेट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप किसी काम आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।